बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। जनाब, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में जब भी इलेक्शन होते हैं, काफ़ी उसमें इंटरेस्ट हो जाता है लोगों का, और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में बहुत इंटरेस्ट लिया जाता है इसका, क्योंकि हतमी फैसला इस्लामाबाद वालों ने करना होता है। कहा जाता है कि जब जरदारी साहब सदर थे, तो उस वक़्त जब इलेक्शन हुए तो उनसे पूछा गया किसी ने कि भाई आप बताएं आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन हैं उनका क्या होगा। तो जरदारी साहब का बात करने का एक अपना अंदाज है, बड़ी अपनी जो उनकी मुस्कुराहट है, और उन्होंने अपनी मुस्कुराहट के साथ कहा भी वही कुछ जो पहले हुआ करता था। तो उसने कहा भी क्या मतलब, उसने कहा जी समझ आया करें कि जो पहले हुआ करता था इस पर भी वही होगा। तो पहले क्या होता था, वो ज़ाहिर है कि इस्लामाबाद वाले फैसला करते हैं कि किस आदमी को हमने वज़ीर आज़म के ओहदे पर तैनात करना है। जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया था कि कम वक्त में हमने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना है, उन्होंने बना लिया। इतना अरसा धरना चला उनका, अब जो साफ़ी कहते हैं कि वो धरना वो अकेले तकरीर किया करते थे, सुनने वाला कोई नहीं होता था। तो लेकिन हमें ऑर्डर था कि सिर्फ इमरान खान की तरफ कैमरा रहना चाहिए, ये जहाँ पर ऑडियंस बैठते हैं वहाँ पर नहीं जाना, कैमरा नहीं मारना। तो ज़ाहिर ये किया जाएगा कि भाई बहुत बड़ा हजूम जब वहाँ पर सुन रहा है, तो ज़ाहिर एक एक मुनज़्ज़म तरीके से उन्होंने इमरान खान को प्रमोट किया, उसको इस ओहदे पर फाइज किया। बाज़ार नज़र आता था वो जी डेमोक्रेटिक तरीके से हुआ। तो जब जरदारी साहब ने अर्ज़ कर कहा वही होगा, तो इसका मतलब यही था कि फैसला हम लोग करेंगे। तो आज़ाद कश्मीर वालों को ठीक है, वो भी ढोल बजाएंगे, भांगड़े डालेंगे, दावतें होंगी, और गली गली मल्ले मल्ले जाएंगे, लोग भी कहेंगे जी हमें वोट दो। लेकिन फैसला करने की वाली कुवतें किसी और जगह होती हैं। तो उन्होंने मतलब हमें लोगों को तासर दिया जाता है कि भाई हम एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के मुताबिक आए हैं, पर लोगों को चलो जी कुछ ना कुछ शुक्र मिल जाता लग जाता है, मिल जाता है उनको कुछ करने को। आपने जो उम्मीदवार होते हैं या मेंबर असेंबली होते हैं उनको कम से कम देखने का मौका मिल जाता है, इलेक्शन जीतने के बाद तो फिर नज़र नहीं आते ना। तो बहरहाल एनीवे, तो इस बार भी नहीं, मैं इंपोर्टेंट इस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, रात का वक्त है, मैंने वैसे कह दिया था, पता नहीं मॉर्निंग कहा था या इवनिंग कहा था। बहरहाल मकसद ये नहीं है कि ये मॉर्निंग में कर रहा हूँ या इवनिंग को कर रहा हूँ। तो अभी कुछ देर पहले मुझे पता चला कि बड़ी इम्पोर्टेंट जो है ना एक मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में, कुछ बड़े मिले हैं और उन्होंने इस्लामाबाद में बैठ कर फैसला किया कि सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर, सो कॉल्ड तो मैं कह रहा हूँ वो तो आज़ाद कश्मीर कहते हैं ना भाई, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का आउटकम क्या होना चाहिए। बाहर हमारे लोग जो हैं रिश्तेदार बहन भाई जो हैं सारे वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि हमारा आदमी जीत जाए, और हमारा आदमी यानी अगर उसमें कुछ है तो वो वज़ीर आज़म बन जाए। इसमें लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, खानदानों में तकसीम भी हो रही है, लेकिन फैसला जो है इस्लामाबाद में हो रहा है, बल्कि हो चुका है, और उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इन बड़ों ने कहा है भाई किसी भी सूरत में इमरान खान को लेट डाउन नहीं करना। इसलिए वो कहते हैं कि आफ्टर ऑल ये लफ्ज़ मांग किया कि भाई आफ्टर ऑल ही इज़ दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अगर इमरान खान की वहाँ पर कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उसको अभी तक उम्मीदवार भी सही नहीं मिल रहे, लेकिन वो कहते हैं कि अगर ये इसकी शिकस्त हो जाती है, वो हार जाता है, तो इट विल रिफ्लेक्ट बैडली ऑन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान रिलेशनशिप विद सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर। तो ये लोगों को ये तासर देना चाहते हैं कि पीपल ऑफ सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर लव पाकिस्तान एंड दे लव हर उस आदमी को जो चीफ एग्जीक्यूटिव के अहदे पर होता है, ख्वाब मुशर्रफ साहब हों या कोई और उनकी जगह बैठा हो, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान के साथ उनकी मोहब्बत है, इसलिए कि पाकिस्तान के साथ उनकी मोहब्बत है। तो इस अगर ये हार जाता है सॉरी ये इमरान खान, तो इससे ये तासर जाएगा कि आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं पाकिस्तान से बददिल होते जा रहे हैं और पाकिस्तान के लिए उनके दिल में मोहब्बत नहीं रहेगी। तो इस लिहाज से यानी उस मोहब्बत को साबित करने के लिए फैसला ये किया गया है कि कम से कम 50% के लगभग सीट्स, यानी 50% नहीं 50% के लगभग, यानी 45 कह रहे हैं आप % सीट्स जो है ना इनको दी जाएं। और आपको ये भी नोट करें कि आज खबरें जिन लोगों ने देखी हैं उनको पता चल गया होगा, खादम हुसैन रिजवी के जो बेटे थे साद रिजवी वो जेल में थे,
अब उनको आज उनको भी रिहा कर दिया गया, कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया है। और कहा जी ये जा रहा है कि साद रिजवी साहब जो हैं ये भी सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में आम रोल अदा करेंगे। आपको ये भी पता है कि जब इन लोगों ने हंगामे किए थे तो इनकी जो लबैक या रसूलुल्लाह जो पार्टी है इसको कल अदम कहते थे। अब वो कल अदम वो ठीक भी होगी, बाद में इलेक्शन भी होगी, ये नहीं कोई सर पैर तो है नहीं, कानून को वो जिस चाहें बदल लेते हैं। अब ख्याल किया जा रहा है, वो कहने वाले दावे से कहते हैं कि साद रिजवी साहब जो है ना आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, इनकी पार्टी हिस्सा लेगी। जीतना तो उन्होंने नहीं है, जीते तो वो पंजाब में नहीं थे जब इलेक्शन हुए थे 2018 में, लेकिन ये उन्होंने कामयाबी से कुछ लोगों को हरवा दिया था, इलेक्शन वो हार गए थे। इसी तरीके से साद रिजवी को मैं कोई लफ्ज़ जो मौलाना साहब हैं कोई लफ्ज़ गलत नहीं इस्तेमाल करना चाहता, चलो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, लॉन्च किया जाएगा, उनको लॉन्च किया जाएगा वो मुख्तलिफ जगहों पर, ख़ास तौर पर उन जगहों पर जहाँ पर उनके उम्मीदवार जो है ना हारने का ख़तरा हो जिनका, तो वहाँ पर वो जाएंगे तो वो जो है ना कम से कम 8-10 हज़ार वोट्स इधर से उधर कर लेंगे, या कुछ वैसे भी वो करा लिए जाते हैं ऐसी बात नहीं है, तो वो उनके जाने से भी जो है ना मतलूबा नतज निकल आएंगे। और इसके साथ ही ये तरीका किया गया है कि उसको तरीका ये किया गया है कि कुछ जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको भी जितवाया जाएगा, ऐसे आज़ाद उम्मीदवार जिनको लोटा कहा जाता है जी, वो उनको यानी किया जाएगा भी जिता दिया जाएगा, तो वो इमरान खान के साथ मिल जाएंगे और उसको पास मतलूबा जो अक्सरीत होगी वो मिल जाएगी, तो नेक्स्ट जो गवर्नमेंट है वो PTI की होगी। एक बात ये पक्की बात है। फिर दूसरी बात ये भी है कि कहा जा रहा है कि एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है जिसमें इमरान खान ने कहा है कि ठीक है जी आप मेरे लिए ये करें तो मैं भी जो है ना अगले साल यानी 2022 में इलेक्शन करा दूंगा ये पाकिस्तान के अंदर, तो ये भी शायद पार्ट ऑफ डील है कि ये इलेक्शन भी कराएगा और वैसे भी बहुत से मामला को ठीक करने की कोशिश करेगा। 50% से नीचे जो उसको वोट्स मिले, सॉरी वोट्स तो नहीं सीट्स मिल जाएंगी, और जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे उनके साथ मिलकर वो PTI की गवर्नमेंट बन जाएगी, और जो बाकी जो लोग हैं मसलन पीपल्स पार्टी है और नून लीग है, ज़ाहिर है इस वक्त हुकूमत जो है ना वो PML नून लीग की है, क्या कहते हैं इनको राजा फारूक हैदर साहब, उनकी पार्टी को भी बाकी सीटें सीट्स जो हैं जो बकिया वो तकसीम कर दी जाएंगे पीपल्स पार्टी और इन दोनों के दरमियान, ताकि ये भी किसी तरह खुश हो जाएं, या अगर कम से कम नाराज़ ना हों, इस कदर नाराज़ ना हों कि वो किसी तरह की वो ऐसा कोई नहीं लेना चाहते रिस्क कि ये कोई आदमी या कोई पार्टी एक जो है किसी तरह की कोई तहरीक चला सके। वैसे तो उन्होंने वैसे इफ्तिमात कदम के तौर पर किया है, लेकिन क्योंकि ये मेंटल स्लेव तहरीक नहीं चलाया करते, यहाँ पर मेंटल स्लेव की बड़ी मेरी मकदार है, तो लेकिन एहतियातन उन्होंने सोचा भी ऐसा किया जाए कि एक खिचड़ी टाइप चीज़ बना दी जाए जिसमें किसी को खास शिकायत करने का मौका ना मिले, और लोग जो हैं कहें चलो जी कोई बात नहीं है इस बार नहीं तो अगली बार सी, तो इस तरीके से इन्हें इंतजाम कर दिया गया। इलेक्शन का फैसला एक लिहाज से आउटकम उसका क्या होगा ये आज इस्लामाबाद में फैसला हो गया है, तो पेशगी में ये कह सकता हूँ कि हाँ कुछ टारगेट किया जाएगा कुछ लोगों को जितवाने के लिए और कुछ को हरवाने के लिए, उसके लिए साद रिजवी साहब को मैदान में उतारा गया है, तो पेशगी में यही कह सकता हूँ कि मुबारक दे दी जाए लोगों को। और ये हमने पहले कहा था कि ये इलेक्शन इस इलेक्शन है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जिन लोगों ने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया है, तो लेकिन शायद आपको मज़ा कर कराना हो जाए, लेकिन एक मुझे मेरे पास एक खबर थी और काफ़ी सदका खबर है, वैसे इसी पर ख़त्म करता हूँ। मैं सिर्फ ये कहूँगा टूवर्ड्स द एंड कि इफ़ यू लाइक द प्रोग्राम आर माई प्रोग्राम्स तो डू सब्सक्राइब इट, और इट डजंट कॉस्ट यू एनी थिंग, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस आर रिगार्डिंग समथिंग एल्स प्लीज डू आस्क, आई लीव इट दैट। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़ एंड लुक आफ्टर योर सेल्फ।